खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव के शोर जो है खत्म हो गया है, या उपचुनाव के शोर खत्म होए के साथ साथ सबसे पहला स्थान चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मिला है। और उनके द्वारा यह सबसे ज्यादा उपचुनाव में दौरा किया गया। सवाल यह उठत है कि आखिर यह उपचुनाव में भाजपा का इतनी बड़बड़ाहट का है, काहे शिवराज का भड़बड़ाहट, काहे कि यह उपचुनाव से कुछ हालात बदले वाले नहीं आई, काहे कि सरकार यथावत रही, महज एक नंबर बढ़ावे के उपचुनाव आई। किंतु सबसे बड़ी बात जो इशारा मन लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के कुर्सी खतरा में ही यदि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया जाए। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचायत का सब जने का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद राजनीतिक खबर के, जो ने बता दी कि मध्य प्रदेश में चार सीटन पर हो जा रहे उपचुनाव के शोर जो है कल शाम 6 बजे खत्म हो गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के दिग्गजन के द्वारा चुनाव के तारीखन के ऐलान के बाद प्रचार में पूरा दम लगा देगा, लेकिन प्रचार की यह दौड़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नंबर एक पर रहे, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दूसर रैंक हासिल करी। अपना प्रत्येक बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रचार के दौरान 35 से ज्यादा सभा, 25 से ज्यादा नुक्कड़ सभा उनके द्वारा प्रचार के दौरान वह रात विश्रामो कीनगा। मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे प्रचार के दौरान 5 जगह रात्र विश्राम कीनगा। यह दौरान उनके द्वारा कबो आदिवासी तो कबो कौनो बैंड वाले के घर में खाना खावागा। सभन खीतित लिहाज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार में सबसे आगे रहे। प्रवक्ता ने बताया, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रचार में जुटे रहे, उनके द्वारा करीब 20 सभा की गए। इसके अलावा उनके द्वारा युवा सम्मेलन, जन संपर्क अभियान चलाए गए। आंकड़ा के लिहाज से देखी था प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा 7 युवा सम्मेलन करीब इतने जनसंपर्क करी। सीएम शिवराज की तरह बीडी शर्मा रात विश्राम करे में पीछे नहीं रहे। बीडी शर्मा प्रचार के दौरान कुल 8 जगह रात में रुके, एक बात जो है 3 बे खंडवा, 2 बे जोबाट और रैगांव में, जबकि 1 बे पृथ्वीपुर विधानसभा में रुके। ये दौरान उनके द्वारा कबो कौनो गरीब या कौनो कार्यकर्ता के घर उनके द्वारा खाना खावागा। अपना प्रत्येक बता दी, सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के अलावा बीजेपी के बाकी दिग्गजन के बात करी तो उनका सभा ये दौरान भय नरेंद्र सिंह तोमर 5 सभा, ज्योतिरादित्य सिंधिया 4, कैलाश विजयवर्गीय 6, पंकजा मुंडे 4, उमा भारती 2, प्रहलाद पटेल 3, फग्गन सिंह कुलस्ते 5, केशव प्रसाद मौर्य 2, नरोत्तम मिश्रा 3, लाल सिंह आर्य 2 सभा करी। तो निश्चित तौर पर यह 4 उपचुनाव बेहद अहम माना जा लगा है और एकर असर जो है ये उपचुनाव से लेके राजधानी के सीएम के कुर्सी तक हो के अंदाजा अंदेशा लगावा जा रहा है। कहे कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा गया कि जो में उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हड़बड़ाहट दिखा लागी, निश्चित तौर पर उनकर कुर्सी खतरा में है। तब देखब दिलचस्प हुई कि 30 तारीख का जो है ये वोटिंग हुई और 3 तारीख का एकर परिणाम आई, तो दिलचस्प हुई कि का इस चुनाव के परिणाम के बाद राजधानी के सियासत में हंगामा मचत है या फिर शांति के माहौल रहा था। अपन बहुत ख्याल रखकर, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखकर, धन्यवाद, प्रणाम।